सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की, कहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कौन से कोर्स में, बीबी में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए एडमिशन सेशन है वो क्लोज हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट आ रहा था कि भैया कौन से कॉलेज में अभी भी एडमिशन चालू है, हमको बीबीए में एडमिशन चाहिए लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा क्योंकि मार्क्स भी कम है, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ठीक है, हमको अच्छी जगह भी चाहिए जहाँ पे हमको अच्छी कैंपस लाइफ देखने को मिल जाए। तो आपको बता दूं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन सेशन है वो, मतलब एडमिशन देने का टाइम है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, लास्ट के 5-6 दिन बचे हुए हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है 15 सितंबर 2024, ठीक है, तो 15 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले सकते हो, सभी कोर्सेज में एडमिशन ओपन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, सिर्फ बीबीए नहीं, सभी कोर्सेज में एडमिशन ओपन है। बट इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एडमिशन बीबीए में कैसे होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, कैसे आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, ठीक है, पर सेमेस्टर फीस क्या रहने वाली, क्या क्या स्कॉलरशिप मिल जाएंगी और स्पेसिफिकली प्लेसमेंट कैसी है, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में करने वाले हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा एडमिशन्स में आफ्टर 12 प्रोग्राम, रेगुलर के ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी रेगुलर प्रोग्राम्स यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं सबके सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कोर्सेज में जो आपके अभी क्या है ओपन है, एडमिशन ओपन है। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कोर्स की, मतलब बीबीए का जो कोर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने मैनेजमेंट कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। काफी प्रकार की बीबीए है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है, जैसे कि नॉर्मल बीबीए, रेगुलर प्रोग्राम, बीबीए ऑनर्स का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल बीबीए का एग्जाम्पल लेकर सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की अगर बात करें तो अगर आपके 10+2 में किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स है तो आप डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे बीबीए में ले सकते हो, कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम एक्स्ट्रा कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है और आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी अगर आपके 50% मार्क्स हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में कंपलसरी होना चाहिए, उसके बिना आपके यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है जो नहीं हो पाएगी। 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, 50% मार्क्स आपके हैं तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो वही आपका क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब कि अगर आपके 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो आपको CUET एग्जाम, LPU नेस्ट एग्जाम या आपके 12th के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में है जो बात करने वाले, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट हाईलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बीबीए की, मतलब मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 29 एलपीए का है, लेकिन ये पैकेज जो दिया गया है वो एमबीए में दिया गया है, बीबीए का पैकेज नहीं है, ठीक है। एमबीए और बीबीए का कंबाइंड प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा रखी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बीबीए के अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 8 से 9 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज है जो आज तक गया है। एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज है जो टॉप 10% बच्चों का ये 13 लाख का, ये भी एमबीए में देखने को आपको मिलेगा। बीबीए की बात करें तो टॉप 10% का बच्चों का भी आपको 6 से 7 लाख का ही पैकेज देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो सिर्फ 2 से 3 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बीबीए ब्रांच है, कोर ब्रांच है जिसमें प्लेसमेंट कम है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी चले जाए वहाँ पे आपको बीबीए की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी, बट फिर भी यहाँ पे लगभग 50 से 100 कंपनीज आती है जो बीबीए की प्लेसमेंट ऑफर करती है, जिसमें आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा 9 लाख का पैकेज, एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का देखने को मिल जाता है। तो ये प्लेसमेंट के यहाँ पे थोड़े से हैं। तो देखो, अगर आप बीबीए करना चाहते हो आपके लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी रह सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा बजट में बहुत अच्छी जगह पे आप पढ़ सकते हो। ज्यादा अगर, मतलब कोई यूनिवर्सिटी में अगर आप बीबीए से प्लेसमेंट ले सकते हो वो एलपीयू ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट आपको इससे भी कम देखने को मिलेगी। उससे अगली चीज आती है, ठीक है, एलपीयू नेस्ट एग्जाम के, एलपीयू नेस्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में ये एग्जाम है जो कंपलसरी रहता है, देना पड़ता है, जैसे कि एमबीए का कोर्स हो गया तो उसमें अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। लेकिन बीबीए के कोर्स में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम कंपलसरी नहीं है। बीबीए के कोर्स में एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो एज अ स्कॉलरशिप एग्जाम की तरह काम करता है। अगर आप देते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, कितनी मिलती है वो आपको बाद में बताता हूँ। तो जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, जिसपे आप घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो, जिसपे आपका जिसके लिए आपको चाहिए लैपटॉप पे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम का क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आने वाले वो बता देता हूँ, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, ये सारी चीजें भी आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो आपको टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। आप कोई भी इनमें से 2 सब्जेक्ट है चूज कर सकते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा, उसके अलावा कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट है जो आपको एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए आने वाले, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये जो पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन सी, ठीक है, इंग्लिश आपका यहाँ पे रहेगा कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसके आएंगे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, टोटल होंगे 30 मार्क्स, तो मतलब 30 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश हो गई। उसके अलावा आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इनमें से आप कोई भी है जो 2 सब्जेक्ट
चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हो। मैं अगर यहाँ पे एग्जाम लूंगा तो मैं दूंगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इंग्लिश के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स हो गए। फिजिक्स के आएंगे आपको 15 क्वेश्चन, दो मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स। केमिस्ट्री के आएंगे आपको 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेढ़ मार्क्स का, टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो टोटल आपका 90 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 65 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। 65 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, मतलब आपको एक मिनट में एक क्वेश्चन है सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली। तो ये होगा आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद आप एलपीएस का एग्जाम देने का बेनिफिट क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फी स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। तो जो आपका बीबीए का कोर्स रहने वाला है वो रहने वाला है 3 साल का, 6 सेमेस्टर रहेंगे। पर सेमेस्टर फीस आपकी रहने वाली है 80,000 रुपीज बिना किसी स्कॉलरशिप के। बट अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एलपीएस का एग्जाम देना पड़ता है। देखो एलपीएस का एग्जाम दोगे और यहाँ पे ठीक है इसका एग्जाम टोटल आपका 90 मार्क्स का। अगर आप 90 में से 65 से ज्यादा मार्क्स लाते तो आपको मिलती है कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप, 55 से ज्यादा मार्क्स लाते तो आपको मिलती है कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप, 45 से ज्यादा मार्क्स लाते तो आपको मिलती है कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप। तो आप यहां पे अगर एलपीएस का एग्जाम देते हो और अगर इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो तो आपको मिल जाती है 22%, 17% और 12% की स्कॉलरशिप। अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप मतलब 22% की स्कॉलरशिप ले लोगे, जिसके बाद आपको पर सेमेस्टर 17,000 रुपीज आप सेव कर लो, मतलब एक साल में लगभग 35,000 रुपए आप अपने बचा पाएंगे, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस कितनी रह जाएगी सिर्फ 62,000 रुपीज। अगर आप एलपीएस का एग्जाम नहीं देते हो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस रह जाएगी वो कितनी रहेगी, मतलब 80,000 रुपीज। उसके अलावा आपके पास स्कॉलरशिप की एक और ऑप्शन है, अगर आपके 12th क्लास में मोर देन 95% मार्क्स है तो भी आप 22% की स्कॉलरशिप ले सकते हो। 90 से 95 के बीच मार्क्स है तो आपको मिलेगी 70% की स्कॉलरशिप, 80 से 90 के बीच मार्क्स है तो आपको मिलेगी 12% की स्कॉलरशिप। उसके अलावा जो एडिशनल फीस आपको पे करनी है वो देनी है 4,500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है जो आपको पे करनी है हर सेमेस्टर में। टोटल यहाँ पे आपके 6 सेमेस्टर देने वाले हैं। तो अगर आप सीयूटी एग्जाम के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो अगर आपके जो सीयूटी एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको 22% की मिल जाएगी, 75% से ज्यादा मार्क्स है तो आपको 70% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 60 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको 12% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले हैं, या तो आप बिना एलपीएस एग्जाम के एडमिशन लेते हो या आप एलपीएस एग्जाम लेते हो। तो अगर आप सबसे पहले आपको बता दो एलपीएस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है एलपीएस एग्जाम की फीस के ऊपर। एलपीएस की जो एग्जाम की फीस है बॉयज के लिए ठीक है ऑफिशियल फीस है जो बॉयज के लिए 1,000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपके लिए 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, जिसके बाद बॉयज के लिए फीस रह जाएगी 500, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे साइन अप करना है। साइन अप करके आपको अपना मोबाइल, ईमेल आईडी, स्टेट, जेंडर, पासवर्ड सारा कुछ डाल देना है और अपने आपको रजिस्टर कर लेना है एलपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको आपका ईमेल और आईडी जो है वो आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा, आपका पासवर्ड और आईडी, उसके आपको रजिस्टर करने के बाद। उसके बाद आपको टेक एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक एडमिशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो डाल देनी है, कौन कौन सी रीसेंट फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ठीक है आपको फिर एलपीएस का एग्जाम अगर देना होगा तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो एडमिशन के लिए लास्ट डेट रहने वाली है 15 सितंबर रहने वाली है। एग्जाम की जो डेट आपकी रहने वाली है 3 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। आप कोई भी डेट एंड टाइम चूज करके अपने अकॉर्डिंग एग्जाम दे सकते हो। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं अपने आपको रजिस्टर कर रहा हूँ 10 सितंबर को तो 11, 12, 13, 14, 15 इन 5 दिन के अंदर कोई भी डेट को मैं सिलेक्ट करके वहाँ पे जो एग्जाम है दे सकता हूँ। एग्जाम देने के बाद 48 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है, उसके स्कॉलरशिप के अमाउंट कट करके आप अपनी फीस पेमेंट है जो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एलपीएस का एग्जाम नहीं दे रहे तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप टू करने के बाद अपना आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। तो ये सिंपल से एडमिशन प्रोसेस है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। लास्ट डेट रहने वाली है 15 सितंबर। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है किसी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक पे ना करें, सिर्फ एलपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर ही आके आप किसी भी प्रकार की जो ऑफिशियल पेमेंट है वो करें, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।